हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको कमांड। तो गाइस चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको आज कुछ ऐसे बेसिक कमांड्स बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके कमांड प्रॉम्प्ट चलाना सीख जाएंगे। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले जो हमारा कमांड है वो ये है ड्राइव चेंज करना। मतलब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है सी ड्राइव यूज़र नित्यानंद, तो ये एडमिन का नाम बता रहा है गाइस। इसमें जो भी एडमिन है उसका नाम बताएगा और ये यूज़र फोल्डर के अंदर है। तो अभी गाइस पहली कमांड में आपको सिखाता हूँ कि ड्राइव कैसे चेंज करते हैं। जिस भी ड्राइव में जाना है गाइस आपको, ये सी ड्राइव है, तो यहाँ पे आप पहले मैं आपको जिस पीसी में ले जाके बताता हूँ मेरे पास कितनी ड्राइव्स है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पास डी ई और एफ है, तो मैं आपको ड्राइव चेंज करना पहले बता देता हूँ। गाइस हम जैसे अगर आपको ड्राइव चेंज करनी है सी से डी में जाना है तो डी लिखेंगे और कोलन लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये डी ड्राइव में चला गया। अब गाइस होता है चेंज डायरेक्टरी। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो होता है चेंज डायरेक्टरी। तो वो उससे क्या होता है गाइस के डायरेक्टरी चेंज करना या फोल्डर चेंज करना। अब जैसे डी ड्राइव में, तो गाइस डी ड्राइव में घुसते हैं हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने फोल्डर हैं, तो मुझे डी ड्राइव के अंदर जाना है एचटीएमएल फोल्डर में, तो मैं इसको कर दूंगा सी डी एचटीएमएल। तो गाइस अब ये बता रहा है डी / एचटीएमएल, तो मतलब हम लोग जो है अभी एचटीएमएल फोल्डर में जा चुके हैं। और अगर बाहर आना है गाइस तो उसके लिए क्या करना है सी डी / ये बाहर आ गए। फिर ये तो गाइस तीन कमांड हो गई हमारी। पहली कमांड ड्राइव के लिए, दूसरी कमांड चेंज डायरेक्टरी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, और तीसरी कमांड वापस बैक आने के लिए सी डी / गाइज। अब हम आते हैं चौथे कमांड पे जो है मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी क्या करता है, नया फोल्डर बनाता है या नई डायरेक्टरी बनाता है। तो अब मैं यहाँ पे डी ड्राइव में, डी ड्राइव है गाइज, इसमें मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ लेसन नाम से, लेसन। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है लेसन नाम का। तो गाइज ये था मेक डायरेक्टरी। तो ये हमारे अभी तक के 5 बेसिक कमांड हो चुके हैं गाइज, ये बेसिक कमांड्स है। इसके बाद हम आते हैं गाइस कलर पे, सी ओ एल ओ आर। गाइस कलर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कलर लिखो और डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यू डाल दो तो आपको बता देगा, एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि इतने कलर हैं। मतलब आप कलर लिख के 0 लिखोगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, कलर लिख के 1 लिखोगे तो ब्लू हो जाएगा, कलर लिख के कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखोगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे का मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। कलर ए, तो गाइस देख सकते हैं कलर ऐसे लाइट ग्रीन था, लाइट ग्रीन हो गया। अब गाइस जो अगली कमांड है, जो सेवंथ कमांड है, वो है क्लियर स्क्रीन। तो अभी हमने जो करा इतनी कमांड्स यूज़ करी तो उससे हमारी पूरी स्क्रीन फुल हो चुकी है। तो अभी हम इस कमांड्स को हटाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन। तो उसका कमांड होता है सी एल एस। गाइस ये सारी कमांड्स नोट करते जाना, आप बेसिक कमांड एक बार सीख जाएंगे तो हमेशा के लिए कमांड प्रॉम्प्ट चलाना सीख जाएंगे। गाइज ये थी, ये बेसिक कमांड आप देख लीजिए। सी एल एस मैंने आपको बता दिया, चेंज डायरेक्टरी बता दी, ड्राइव नेम और कोलन। मतलब मैंने बताया आपको सी से ड्री में, डी में गया तो डी और कोलन, फिर एंटर तो डी ड्राइव में चले गए। कलर, कलर के लिए बता दिया मैंने आपको सी डी / वापस बैक आने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी डेट डेल। तो गाइज अगली कमांड है डेट। तो इस कमांड से आप डेट देख सकते हैं क्या है और एंटर न्यू डेट करके आप नई डेट भी डाल सकते हैं। एंटर द न्यू डेट पर क्लिक करके नहीं डालनी, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, डेट एकदम करेक्ट है। वैसे तो अगली फाइल है डायरेक्टरी DIR। तो DIR यूज़ होता है डायरेक्टरी, तो इसमें पूरी डायरेक्टरी बता देगा गाइस के जो DIR था ना वो क्या होता है, जो भी हमारा ड्राइव है ना उसकी उसके सारे फोल्डर बता देगा, मतलब सारी डायरेक्टरीज बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डायरेक्टरीज बता दी है, एक CSS नाम का फोल्डर, ये HTML का फोल्डर, ये जावा का फोल्डर, ये लेसन और ये सब जो भी इमेज। तो गाइस आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं सारे कमांड, और ये गाइस बेसिक कमांड है, बहुत ईजी है, और ये एक बार आप सीख गए तो हमेशा के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट चलाना सीख जाएंगे। गाइस जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो है ईको। तो ये ईको फीचर के लिए होता है गाइस। अभी ईको ऑन है, अगर आप ऑफ करना है तो ईको के आगे ऑफ क्लिक कर दो, ये
तो अभी तो ईगो ऑफ हो गई है, तो जो हमारी ड्राइव है अभी अब पता नहीं चल रहा है हम कौन सी ड्राइव में, आप देख सकते हैं मैं एंटर कर रहा हूँ लेकिन ड्राइव अच्छा आप देख सकते हैं कि अभी ईगो ऑफ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे ईगो ऑन, ईगो ऑन हो गया वापस हम ड्राइव में आ गए, तो ये ईगो था गाइस, ये बेसिक कमांड। फिर आती है एग्जिट कमांड, एग्जिट करेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एग्जिट हो गया। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ अगर कमांड प्रॉम्प्ट हम स्टार्ट कैसे करते हैं गाइस, तो विंडो और आर दबाते हैं तो रन आता है, फिर उसमें हम सीएमडी लिखते हैं, ओके करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। गाइस आप देख सकते हैं अभी तक मैंने आपको 15 कमांड्स बता दिए जो बेसिक कमांड है, बहुत इजी है, जिन्हें आप एक बार सीख गए तो आप हमेशा के लिए कमांड प्रॉम्प्ट चलाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है एफटीपी, तो एफटीपी से क्या होता है गाइस, एफटीपी पे हम करते हैं ना तो हम एफटीपी के अंदर चल जाते हैं, तो ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। तो गाइस अब इससे बैक जाने के लिए हम एक्सिट करेंगे, यहाँ से एक्सिट करते हैं और फिर वापस ऑन करेंगे, चलिए गाइस। गाइस अगली है गेट मैक, अगला अगला कमांड है हमारा गेट मैक, तो ये आपका इसमें गाइस आपका एड्रेस बता देगा, फिजिकल एड्रेस और ट्रांसपोर्ट नेम, ये एड्रेस बता देगा गेट मैक के थ्रू। फिर गाइस अगली अगली कमांड है हेल्प, तो गाइस अगर आपको और डिटेल में सीखना है कमांड प्रॉम्प्ट चलाना तो ये कमांड आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप हेल्प लिखो आपके पास पूरी कमांड की लिस्ट आ जाएगी और आप उसको पढ़ के सीख सकते हो पूरा। गाइस अब नेक्स्ट कमांड होस्ट नेम, तो ये हमारा जो भी डिवाइस है ना गाइस उसका नाम ये बता रहा है, होस्ट नेम डेस्कटॉप C3 C13 LU9 होस्ट नेम। फिर गाइस अगली कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, तो इस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन बताता है गाइस, यहाँ पे मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं करा है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो सारे सभी मीडिया स्टेट देखिए देख सकते हैं, यहाँ पे सभी मीडिया डिसकनेक्टेड बता रहा है, वाईफाई लैन एडेप्टर और ये यहाँ पे दो पे ऑन रहता है, नेटवर्क बताता है अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी एक कमांड है। तो गाइस अगली कमांड होती है हमारी मैक डायरेक्टरी, तो पहले मैं आपको ड्राइव चेंज करता हूँ डी में गए मैक डायरेक्टरी, तो गाइस सॉरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो अब अगली कमांड है हमारी PING पिंग, तो गाइस ये कमांड यूज़ होता है नेटवर्क कनेक्शन चेक करने के लिए और किसी भी कंप्यूटर का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पिंग, ये आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे। गाइस नेक्स्ट कमांड में चलते हैं शेड्यूल टास्क, SCH TAS के शेड्यूल टास्क, तो गाइस ये बता देगा कि अभी आप कितनी टास्क चल रही है पूरे, अभी सिस्टम में कितनी टास्क चालू है और सारी शेड्यूल टास्क के थ्रू आपको इस कमांड के थ्रू पता चल जाएगा। गाइस अगर आप स्टार्ट लिखते हैं तो आपका एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट कमांड के थ्रू। और अगली गाइस अगली कमांड है टाइम, तो टाइम करेंट टाइम बता रहा है और अगर आपको एडिट करना है तो आप टाइम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गाइस अगली कमांड है ट्री, तो मेरी जो डी ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स रखे हैं वो ट्री के थ्रू सब, गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा लेक्चर वगैरह जो भी मेरा फोल्डर था ये पूरा फोल्डर आ गया लाइन से ट्री के फॉर्म में आ गया गाइस ये। गाइस अगर अगला अगले कमांड है वर्जन VAR, तो हमारे भाई एक माइक्रोसॉफ्ट का ये कौन सा वर्जन है मेरे डिवाइस में, तो ये वो बताएगा आपको। गाइस हमारी लास्ट कमांड है अब वॉल, तो इसमें क्या होता है गाइस ये आपको ड्राइव का नाम बता देगा और उसका सीरियल नंबर बता देगा जिस भी ड्राइव का आपको नाम जाना है। तो गाइस ये थी हमारी कुछ 28 to 30 बेसिक कमांड प्रॉम्प्ट कमांड्स, जिनको आप यूज़ करके एक अच्छे कमांड प्रॉम्प्ट यूज़र बन सकते हैं, या आप एक अच्छे डेवलपर नेटवर्किंग फील्ड में अगर आपको वर्क करना है तो गाइस आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ही यूज़फुल है, तो आप सीख सकते हैं, तो अभी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको कमांड्स उतनी परफेक्ट होते जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू गाइस।